What? अब एक बजे के बाद मिलेगा खाने को ठीक है समझ में आया इधर सुन एक बजे के बाद मिलेगा खाने के लिए लंच टाइम में चल जा मौज कर तो गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मौसम हुआ है झक्काश टाइप का आपको दिखाते बैकग्राउंड कैमरे से देखो कैसा नज़ारा छाया पूरा चारों तरफ बादल ही बादल है और बारिश का आशंका बहुत ज़्यादा जता जा रही है इस जगह पर कुछ भी हो सकता है भाई सही बात बताऊं तो जानते हो सुबह सुबह वीडियो शूट करने का कुछ मजा ही अलग है अपने दिल की बातों को रखने में तो -टो, तो -टो, तो -टो, मेरी टोटो तो टोटो टोटो मेरी टोटो याद सही जी मेरी दोस्त है मेरी टोटो 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 ठीक लगेगी टोटो टोटो है इतना प्यारी है ना कि एक बार सीटी मार दो कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ एक बार आवाज़ दोगे ना पट से आ जाएगी एकदम देखने के लिए अरे टोटो है ना ओए इधर देख इधर देख तेरा दोस्त देख रहा है तुमको देख उधर देख उधर इधर देख ना टोटो हम्म टोटो 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 अभी जाएगी खेलने के लिए अब उसका मन हो गया खेलने का अब जाएगी खेलते रहेगी बेचारी टोटो अभी परेशान हो गई है रात का मतलब जो है ना रात में दो गो रोटी खिला दिए थे और उसके लिए दो पैकेट बिस्किट लाए थे तो एक पैकेट बिस्कुट दिया ना खाई तो मतलब उसको अच्छा लगा स्वाद में बढ़िया उसको यहाँ पर कोई नहीं देता तो बिस्कुट विस्कुट और लाइक जब बिस्किट उस्कुट नहीं कभी खाई है तो पहली बार हमने बिस्कुट दिया था तो इसको बड़ा टेस्ट लगा खाने में उसके बाद जब हम जब भी देखे तो बेले बिस्किटें वहाँ आएगी अब रोटी नहीं खाती जल्दी तो मैंने उसको रोटी वोटी धीरे 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 इसको भी रोटी खाना सिखा दिया नर पहले रोटी नहीं खाती थी तो अब धीरे धीरे रोटी भी खाने लगी और बिस्किट भी अच्छा से खा लेती है अब तो इतना जान जाता है कि हम बिस्किट लेके आते हैं तुम सबसे पहले मेरे पास जाएगा उछल उछल के मांगने लगेगा तो मैं, मैं समझ जाता हूँ तो यार दे देता हूँ उसके निकाल करके या इसको खिलाया था इसकी मम्मी को भी खिलाया था तो इसकी मम्मी जो है प्यारी लाल <laughs> मैंने इसका नाम प्यारी लाल रख दिया इसका नाम रख दिया टोटो तो अब जब भी होता है तो मैं वो कुछ देखो किसी भी सब्जेक्ट का वो चीज़ नाम होना चाहिए मैंने इसका नाम रख दिया है दोस्त क्योंकि मैं सोचता हूँ एक हमारा जब तक मैं जब तक हूँ इस कंपनी में यार तब तो तक तो मतलब हमारा एक इससे रिलेशन सा बना हुआ है कि था सा नहीं मन लगता है नहीं इसके साथ हंसता बोलता रहता हूँ तो खेलता रहता हूँ पता नहीं किधर चली गई इसकी इसको छोड़ करके तो मम्मी के साथ रहती है तो हमेशा खुश रहती है अभी उछलते रहती है कुदते रहती है ये लोग भी तो है हमारे जैसे हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं हमारे इंसान है ये लोग अभी तो एक प्यार का भावना है जो हम लोग से जोड़ता है लोगों को लेकिन कोई लोग समझता है तो उसको नहीं समझता है बिल बीच में कंपनी में कुछ दिन पहले है पर लोगों बहुत सारे लोग है ना मर गए जब पहली बार आया था कंपनी में तो सब लोग मारने लगे थे इसको भाग 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 भगाते थे, थे जब से मैं रखने लगा हूँ ना सब लोग इसको खाना वाना सब देने लगे हैं अब सो खाना वाना सब मिलता है जो भी जो चीज़ खाता है लंच टाइम में जैसे रोटी चाय बिस्किट कुछ भी खाता है तो थोड़ा सा थो निकाल के दे देता है तो उसके सामने खड़ा रहेगा देखता रहेगा तो ये बेचारा सबको दया लगता था है लग जाता है तो सब इसको दिखाता दे देता है खाने के लिए और तब से फिर वहीं रहती है वहीं सुबह शाम में लेकिन ये बात है जब तक मैं रहूँगा कंपनी में तब तक ये रहेगी और कंपनी से मैं जैसे निकल जाऊँगा बस फट से ही भी निकल जाएगी फिर रुकेगी नहीं वो अगर आग भी गई अगर बीच में किसी टाइम तो फिर देख लेगी नहीं है फिर घूम के चली जाएगी अगर मैं रह गया तो पट से मेरे पास आकर उछलने कूदने लगेगी उसके बाद समझ जाके कुछ खाने के लिए मांग रही है उसको दे दो बस खुश ये बात बोलूँ तो दोस्त एक बात बताएं बताएं जानवर में भी एक फीलिंग है यार लेकिन लोग समझते नहीं हैं उसको हम लोग जो वो कहते नहीं अपनी नज़र से देखना तो यार अपनी नज़र से सही उसकी नज़र से देखोगे अपनी नज़र से भी देखोगे तभी तो समझ में आएगा यार अब हम उसको हम देख लेते हैं गंदी नगर नज़र से हमेशा कि जानवर है तो उसका वैल्यू हम लोग गिरा देते हैं लेकिन हकिया बताऊँ दोस्त एक कुत्ते की ज़िंदगी जो होती है ना दोस्त सबसे ज़्यादा वफ़ादारी वाली जगह बीतती है आप कुछ भी करो या ना करो लेकिन अगर आपका एक बार आपका अगर नमक खाया ना तो हम नमक हलाली नहीं कर सकता वो गद्दारी नहीं कर सकता हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है वो अभी थोड़ा सा नहाया तोया नहीं हूँ गंदा समंदा हूँ देखते हो गंदा समंदा कितना यार गंदा समा का काम ही है यार कितना भी करूँ कितना भी साफ रहने को भी करता हूँ नहीं हो पाता है यार फिर भी जब तक तो नहाऊँगा नहीं तब तो साफ हो नहीं सकता फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक वीडियो और बढ़िया से ले कर कोशिश करते हैं हमारा ये सोच रहता है हमेशा से कि एक वीडियो आपके लिए एक अच्छी विचारधारा के साथ एक ब्लॉग बनाएँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हम इस वीडियो में आपसे जब भी मिलें तो कुछ ऐसी यूनिक चीज़ों को हम आपसे शेयर कर सकें जो अभी तक मतलब अपनी में बारे, बारे में बातों को ले करके कुछ ऐसी चीज़ों को नॉलेज करना जो लोगों को थोड़ा सुनने में अच्छी भी लगती हो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको है ना एक नॉलेजबल वीडियो कोशिश करें कि आपको देने का इस ब्लॉग के माध्यम से कि आखिर इंसान का सोच क्या होता है कैसे लोगों की सोच बदलनी चाहिए आखिर क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त इस तरह का हम लोग हम मेरे अंदर एक थाट्स आती है जो मैं अब मैं अकेला बोलता जरूर हूँ आप लोगों से कि मैं क्या कह रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मतलब ये सारी चीज़ों को आप कोई को बंदा बोर हो जाता है कोई मेरी वीडियो देखता है तो उसको बोरिंग लगने लगती है कि क्या बकबक बकबक कर रहा है लेकिन दोस्त एक बात बताओ चलिए मानते हैं कि हमारी वीडियो अभी तो तत्काल के लिए आपको बोरिंग लग रही है लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि आप उस फीलिंग को समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं आप लोगों से ठीक है हम ज़्यादा बहुत बड़ा योद्धा नहीं है ये बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है जो मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मेरे दस लाख लोग ये पाँच दस बीस लाख लोग पच्चीस लाख लोग जान रहे हैं मुझे हम बस हमें पाँच ही लोग जानने वाला चाहिए जो पाँच ही लोग मुझे अच्छे से जानते हो और हमारे वीडियो को समझते हो कि हाँ ये क्या कहना चाहता है इस वीडियो में बस और कुछ नहीं है ठीक है अच्छा ये बात बताऊँ आप लोगों को अगर मैं जब इस जब मैं शुरुआत में जब YouTube की दुनिया में जब YouTube की दुनिया में जब आया था ना तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये काम कैसे करती है अब मुझे ये सीखने में काफ़ी समय लग गया था और आज मैं सीख चुका हूँ ना तो मैं आप लोगों से जुड़ता जा रहा हूँ धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छी लगती है मतलब शुरुआत से मैंने कब से मैं से ये तीन चार पाँच सालों से मैं सोच पहले जो शुरुआत स्टार्ट किया था ना तो मुझे पता मैं सोचता था, था कि मेरे बस की नहीं है क्यों क्योंकि तो भाई इसके लिए कैमरा चाहिए तो माइक चाहिए यार ऐसे ऐसे, ऐसे मतलब थाट्स आते थे मतलब कि बहुत सारा सामान लगता है यार पैसा लगता है मेरे पास है नहीं तो कहाँ स्टार्ट करेंगे जब मैंने इसको सीखना शुरू किया था ना तब मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो हाथ से मोबाइल से ही बन सकता है तब मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे सीखना चाहिए जब मैं सीखना शुरू किया ना दोस्तों मेरे को समझते समझते बहुत बहुत समय बीत गया था लेकिन एक चीज़ है जब मैं सबसे सीखा हूँ तब आपसे मैं जुड़ता जा रहा हूँ हमेशा आप वैसे मेरी वीडियो को बहुत कम देखते हो बहुत कम बहुत कम मतलब कि अगर दस मिनट की वीडियो है तो आप एक मिनट देख के चले जाते हो तीस सेकंड देख के चले जाते हो कोई दिक्कत नहीं है पहले आप आओ तो सही इंटरेस्ट तभी होता है जब स्वाद का कहावत है ना तो उसके मतलब खाना जब तभी अच्छा लगता है जब आप एक बार उसको चखते हो जब एक बार चखोगे एक बार अच्छा नहीं लगता शुरुआत में उसका टेस्ट लगता है देखो यार कितना बकवास टेस्ट है फिर उसको दूसरा बार दूसरे बार फिर कभी खाओगे फिर तीसरी बार फिर कभी खाओगे दिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि फिर खाते खाते तुम्हें स्वाद की लत लग जाएगी फिर उस तुम खाने लगोगे तो कहने मतलब लत की बात नहीं है लग कहने मतलब है कि आपको भी वो चीज़ अच्छा लगने लगेगा तो थोड़ा समय लगेगा यार भाई को तुम्हारा समय लग रहा है थोड़ा सा बस तुम्हारा भाई ये नहीं है कि ब्लॉग में हम सीरियस ब्लॉग को लेकर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस है दोस्त ऐसा बात नहीं है कि ब्लॉग को लेकर सीरियस नहीं रहते लेकिन मजबूर भी हैं उतना ज़्यादा कि हम आपको अच्छे से अच्छे जगह जगह से जा कर के जैसे कि कंटेंट से बनाना अपने फैमिली ब्लॉग्स बनाना मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम एक वो कहते है, हैं सोस मतलब क्या कहते हैं उसको कहावत है ना दोस्तों मतलब कि कंपनी में अगर काम कर रहे हैं चलो एक बात बताते हैं एग्जाम्पल में कि अगर कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं ना तो हम पूरी पूरा टाइम मेरा कंपनी का ही है तो हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं आपको जब तक तो हमारे पास जो टाइम मेरा मेरा जो टाइम बचता है ना वो टाइम हम आपको देते हैं तो दोस्त उसमें से मैंने मेरा टाइम सोने का भी होता है खाना खाने का भी होता है बहुत सारा टाइम होता है उस टाइम को हम मैनेज करके निकाल करके फिर हम आपसे मिलते हैं आप फिर वीडियो आपको भी बना के देते हैं तो उसके लिए टाइम थोड़ा जा सा निकल जाता है पर फिर भी एक बार कभी कभी होता है ना कि मैं वो टाइम को भी नहीं निकाल पाता हूँ एक बार ऐसा वक्त आ जाता है मेरे साथ में सच बोलूँ तो जानते हो भाई तो मौसम इतना ख़राब कर रखा है ना <laughs> मौसम तो बहुत ठंडा है बहुत ठंडा मौसम है अभी किया हुआ लेकिन जानते हो अभी बारिश पड़ गई ना तो मेरा कपड़ा जानते कितना गंदा है देख लो पूरा कपड़ा देख लिया देखो <laughs> एक कपड़ा तुम साफ नहीं मिलेगा भाई क्योंकि ये कपड़ा जो है ना मेरा पूरा का पूरा गंदा हो चुका है और गंदा होने की वजह से है ना मतलब अब सोचता हूँ इसको धो दूँ लेकिन अगर उसको धोऊंगा ना तो मेरे पास एक ही ड्रेस है इस कंपनी को काम करने के लिए धो दूंगा तो जानते हो एक कपड़ा भाई साहब सूखेगा नहीं पूरे कपड़े के गीले रह जाएंगे आज शाम मुझे फिर ड्यूटी जानी है और यही कपड़ा पहन के मैं ड्यूटी जाऊंगा अगर मैंने इस अगर इस कपड़े को अगर नहीं सुखाना तो भींगा हुआ गीला कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा यार हो सकता है बरसात का मौसम सर्दी जुकाम हो गया तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे पता नहीं लगता बारिश वरिश आ रहा है मौसम देखो कितना तेज़ी से उड़ रही है ओ बर खुदा आसमानी है जहाँ <laughs> तो मैं तुझे तो सिखा देता हूँ भगना तो भाई माफ करना दोस्त क्या करे मन नहीं लगता तो आप लोग से मिल लेते हैं स्टार्ट हो गया बारिश नहीं नहीं ओ मशीन की आवाज़ है <laughs> मशीन चल रही है अभी तो मैं अभी तत्कर के लिए आपसे मिल चुका हूँ तो दोस्तों अभी चलते हैं घर जाते हैं रूम पे अब रूम पे नहाएंगे धोएँगे आराम से नहा धो कर फिर मिलेंगे आपसे हम तो चलिए पहले नहाते धोते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों ये कंपनी हमारे अंदर अभी तो काम कर रहे हैं अब बात तो एक बात बताऊँ शीला का बहुत ज़्यादा फोन आ रहा है कि अब आ जाओ जल्दी से घर पर आ जाओ तो मैंने कहा अभी ज़रूरत भी नहीं है आने की क्योंकि अभी मेरे को छुट्टी मिलेगा नहीं और दस तारीख से पहले मैं आ नहीं सकता कोई दस तारीख मेरी सैलरी आ जाएगी दस तारीख को सैलरी आएगी तब मैं आऊँगा यहाँ पर समझे तब मैंने है ना दस तारीख तक का समय लिया है दस तारीख को फिर निकलूँगा यहाँ से घूमते फिरते अपना घर और घर जाके अपना कुछ दो चार पाँच दिन आराम करूँगा